राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ये हैं गन्ने की फसल में खड़े हुए हैं और आप जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक आपको गन्ना की खेती नज़र आएगी। यहाँ पर गन्ने की खेती में एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसका नाम मोथा घास है। मोथा घास, तो यदि आपको इस घास से छुटकारा पाना है तो किसान भाइयों, हम आपको इसके बारे में आज जानकारी देंगे। मोथा घास जो कि बहुत ही नुकसानदायक, और ये इसकी चाहे जितनी बार निकाई गुड़ाई की जाए ये नष्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से। अभी इनकी निकाई कर दी जाए और 15 दिन बाद फिर आप देखेंगे तो फिर ये ऐसे ही खड़े हुए आपको मिलेंगे। इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, मोथा घास की इतनी मजबूत होती हैं कि इनको नष्ट आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। सभी किसान भाई परेशान हैं और इससे लगातार यदि ये घास बनी रहती है हमारी फसलों के बीच तो इससे हमारे भारी फसलों को भारी नुकसान होता है, और जब फसलों का नुकसान होगा तो किसान भाइयों का नुकसान स्वतः ही होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। यदि आपकी गन्ने की खेती में, गन्ने की फसल में मोथा घास का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो आप इसको धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी की एक दवा आती है जिसका नाम सेम्परा है। सेम्परा का 36 ग्राम का पैकेट आता है। 36 ग्राम का पैकेट आपका एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। आप 36 ग्राम की पुड़िया लाकर और अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी प्रकार से आप घोल बनाते हैं अच्छी तरह से घोल बनाएं और अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसका छिड़काव आप ऐसे समय पर करें कि जब गन्ने आपके 30 से 50 दिन के हों, ताकि घास पर दवा पूरी तरह से पड़ सके और घास नष्ट हो सके। ये जो सेम्परा दवा है इसका सीधा प्रयोग आप अपनी खड़ी फसलों पर कर सकते हैं। इसका जो लक्षण है, जो इसका असर होता है वो सीधे पत्तियों पर नहीं होता है, तो आप घास डालने के एक हफ्ते के बाद परेशान न हों कि हमारी घास अभी तक पीली नहीं पड़ी या जली नहीं। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आप इसका सीधा असर इसके जो गांठें बनी होती हैं गांठों के अंदर होता है, तो दवाई जो है सेम्परा इसका सीधा असर घास की गांठों पर होता है। तो जब इसका असर गांठों पर होता है तो इसका जो लक्षण है वह थोड़ा देखने में टाइम लगता है, जैसे 10 से 12 दिन या 12 से 15 दिन लग सकता है। तो आप दवा डालने के पश्चात घबराएं ना, आप देखेंगे कि जैसे ही 15 दिन बीतेंगे फिर आपके जो ये मोथा घास है इसके पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप सेम्परा दवा का प्रयोग करके आप अपनी गन्ना की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और भरपूर लाभ ले सकते हैं। यह एक प्रकार का हर्बिसाइड है। अन्य किसी फसल पर यदि आपको डालना है तो बिना जानकारी, बिना सुझाव के, किसी से बिना सलाह लिए आप प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक प्रकार का हर्बिसाइड है। तो अन्य किसी फसल में यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल भी ख़राब हो सकती है। इसलिए बिना जानकारी और बिना सुझाव के अपनी मर्जी से इसका प्रयोग अन्य फसलों पर ना करें, क्योंकि अन्य फसलों पर करने से आपकी फसल नष्ट हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। इस कृपया करके आप गन्ने की फसल पर सेम्परा का प्रयोग करें। अन्य किसी फसल पर प्रयोग करने के लिए तुरंत जानकारी लें, और ऐसी कोई समस्या हो तो जानकारी और सुझाव के लिए हमें आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, मोथा घास जो है इसको आप देसी घासा में भादा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर किसान भाई हमारे इसको भादा के नाम से जानते हैं। भादा और मोथा दोनों एक ही घास होती है, तो इसलिए आप इस गन्ने की फसल पर आप सेम्परा का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 36 ग्राम प्रति एकड़ है। आप घोल बनाकर 30 से 50 दिन के अंतराल पर आप इसका छिड़काव करें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव जब भी करें, जब आपके फसलों में, आपके खेतों में नमी हो,
तो और बढ़िया काम करेगी। किसान भाइयों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।